गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशन आरके पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मकर संक्रांति है, तो ये तो जनरली जो है सो 14 को होता था, लेकिन आज 15 को हो रहा है। तो इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से, स्पेशली एजुकेशनल आरके पॉइंट्स के मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर लोगों को। तो इसी के साथ आज हमारा करंट अफेयर्स होते हैं। बहुत सारे पर्व है, हर साल मकर संक्रांति आता है, इस साल भी आएगा, उस साल भी, लेकिन हमें क्या, हमें तो अपना सिलेक्शन लेना है। मकर संक्रांति का क्या है वो तो इस साल अगले साल हर जगह, लेकिन सिलेक्शन एक बार अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर का ही इंतजार करना पड़ता है। और नेक्स्ट ईयर का इंतजार करते बहुत लोग बोलेंगे मकर संक्रांति की तरह सिलेक्शन भी अगले साल ले लेंगे। तो ऐसा आप अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही गलत फहमी में हो, क्योंकि अगर आपकी एज इस साल 24 है तो 25 हो जाएंगी, 19 है तो 20 हो जाएगी, वो एज वापस नहीं आएगा। तो चलिए आज हम अपना करेंट अफेयर शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आती है, विश्व इत्जेमा का पहला चरण किस देश में आयोजित किया। जैसा कि आप आंसर देख सकते हैं कि बांग्लादेश, बांग्लादेश में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो विश्व इत्जेमा का, इत्जेमा जो, अच्छा ये पर किससे रिलेटेड है, नाम से तो लग रहा है क्या कि मुस्लिम कल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए है। तो विश्व इत्जेमा का पहला चरण बांग्लादेश में आयोजित किया। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है, तो टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पाकिस्तान का, तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान की राजधानी कौन से, इस्लामाबाद, और पाकिस्तान में भी रुपया चलती है। फिर भारत, बहुत बढ़िया से आपको पता होगा कि नई दिल्ली और रुपया फॉलो करता है, इंडिया को कौन नहीं जानता। फिर है सऊदी अरब। अब आप लोग मुझे, मैंने तीनों का बना दिया, अब आप मुझे कमेंट करके सऊदी अरब का बताइए कि इसकी करेंसी क्या है एंड इसकी राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन वर्ल्ड फ्यूचर इनर्जी समिट हाल ही में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये किया गया था, तो ये किस में किया गया था, तो अबू धाबी में किया गया था। दोहा, मस्कट, रियाद, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो दोहा किसका है, कतर दोहा, आपने सुना होगा, ठीक है। फिर मस्कट ओमान, मस्कट, और इसकी इसकी करेंसी क्या है, तो रियाल है, ठीक है। किस देश ने ATP 2020 ट्रॉफी कब जीती है, तो वो कौन से है, तो सर्बिया, तो सर्बिया। अच्छा नोवाक जोकोविच, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, जो क्या खेलते हैं। चलिए ठीक है, मैं तो ये बता देती हूँ कि ये सर्बिया के हैं। ये खेलते क्या है, यानी कि किस खेल से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। हाल ही में जारी रैंकिंग ISSRF रैंकिंग के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने दुनिया के शीर्ष शूटिंग राष्ट्र सूची में अपना पहला स्थान प्राप्त किया है, तो कौन सा देश है। तो मैं आपको, जहां तक आपको पता होगा कि मैं आपको सारा का सारा रैंकिंग का वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, नहीं तो मेरे प्ले लिस्ट में भी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ये भारत ने, भारत जीता है, ठीक है। अच्छा विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने बताया था जिसमें भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का रैंक 142 है, एक है प्रेस इंडेक्स में और दूसरा है हैप्पीनेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं 18 नंबर का है, जिसका क्या है, उद्घाटन किया गया है। किस देश ने हाल ही में चौथी पीढ़ी के पहले गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत नानचंग को तैनात किया है, तो किस देश ने तैनात किया है, तो वो देश हमारा चीन है। कौन है, चीन हमारा देश है, जिसने चौथी पीढ़ी के कौन सी विध्वंसक पोत, नानचंग, कौन सी है, नानचंग है। फिर यहाँ पे अच्छा एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नेशनल ऊर्जा कन्वर्सेशन डे किस दिन मनाया जाता है। अभी हाल ही में के एक न्यूज में आई थी नेशनल ऊर्जा कन्वर्सेशन डे, नेशनल, ठीक है, और ऊर्जा कन्वर्सेशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो मैं बता दूं 14 दिसंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने किसी भी एग्जाम के पेपर में अभी हाल फिलहाल में पूछे गए थे, मैंने देखा था। आज गोवा के जो मनोहर पारिकर थे मुख्यमंत्री, वो मर गए, उनकी जगह पर जो है सो कौन बना है, नहीं
वैसे तो ये बहुत ही पुरानी न्यूज है, लेकिन मैं आपको रिपीटेशन करवा दूँ तो प्रमोद सावंत बने हैं। आज की सबसे लेटेस्ट न्यूज है, आज की ताज़ा ताज़ा खबर है, यहाँ पे एक RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं देवव्रत पात्रा। वैसे तो माइकल देवव्रत पात्रा है, लेकिन मैं पूरा नाम तो नहीं, लेकिन हाँ देवव्रत उनका नाम है और लास्ट में पात्रा लगा हुआ है, ठीक है। वो नए बने हैं पात्रा, ठीक है, देवव्रत पात्रा, ये RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। भारत के किस वर्ष तक 250 अरब डॉलर की समुद्री अर्थव्यवस्था कोल के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है? तो 2024 तक उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2025 है, कंफ्यूज मत होइएगा। नरेंद्र मोदी जी ने, अभी जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी, उन्होंने $5 trillion, अभी हमारी जो है सो $3 trillion की इकोनॉमी है, $5 trillion यहाँ पे 2025 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए क्या होता है भविष्य में, इन फ्यूचर। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शिकागो के न्यायाधीश, जिसे शिकागो का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो शामिया नशीम, किसे नियुक्त किया गया है? शामिया नशीम, शिकागो का न्यायाधीश, जो भारत के हैं लेकिन शिकागो में जज बने हैं। किस क्रिकेटर को पॉली उमरगर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? पॉली उमरगर, तो जसप्रीत बुमराह को। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जसप्रीत बुमराह को कौन सा अवार्ड मिला है, सीके नायडू, भारत रत्न वगैरह वगैरह, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा पॉली उमरगर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिया था, उल्टा हो या सीधा, नाक यहां से पकड़ो या वहां से, बात एक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो वह कौन सा जिला है? तो डिब्रूगढ़। कौन सा जिला है? डिब्रूगढ़, जिसे अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया है, कर सकती है? तो कोआला, जिसकी जो है सो मात्रा बहुत ही कम पाई जा रही है, इसलिए इसे ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने लुप्त प्राय प्रजाति यानी कि रेड फाइल में, डायरी में दर्ज कर दी है। भारत सरकार की वायुसेना, भारतीय वायुसेना IAF के लिए लगभग कितने विमान खरीदने की प्रक्रिया में है? तो लगभग 200 विमान खरीदने की प्रक्रिया में है। शॉपर मालवेयर से कितने प्रतिशत भारतीय प्रभावित हुए हैं? तो 14% भारतीय ऐसे हैं जिसने शॉपर मालवेयर से प्रभावित, ये एक प्रकार की सॉफ्टवेयर, जैसे कि मालवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह होती है, सब कंप्यूटर में यूज होने वाली एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जो आप समझिए सॉफ्टवेयर होगा वैसे। किस देश ने हाल ही में लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया है? तो वो है इजराइल। जैसा कि आप अभी जान रहे हैं कि इजराइल को ईरान से कंफ्यूज मत कीजिएगा, अभी ईरान और अमेरिका में वर्ल्ड वॉर होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, इसके लिए थैंक गॉड बहुत आदमी मरने से बच गए, तो वो है इजराइल। सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक की पूंजीकृत को बढ़ाकर कितना पूंजी करोड़ कर दिया है? तो पहले तो इसकी, अच्छा पहले कितनी थी? पहले पूंजी इसकी 10,000 थी, ठीक है, अब जो है सो इसकी पूंजी 15,000 करोड़, यानी कि टोटल हुए मेरे 25 करोड़ पूंजी बढ़ाकर अब कर दी गई है। पहले कितनी थी आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, पहले 10,000, अब 15,000 बढ़ा दिया गया है, तो टोटल हमारी अब कितनी हो गई? 25,000 करोड़ ये पूंजी हो गई। पहले 10,000, इस बात को बढ़ा कितना है? तो बढ़ा है 15,000, टोटल कितने हो गए? 25,000। तो डोंट कंफ्यूज। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2018 में भारत में हर दिन 109 बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता, तो ये भी ताजा रिपोर्ट के अनुसार आई है। प्रतिष्ठित ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो इंदु जैन को मिला है। किसको मिला है? इंदु जैन को। पेरिस बुक फेयर 2020 में कौन सा देश अतिथि होगा? तो हमारे भारत को अतिथि के रूप में घोषित किया गया है। ये कहाँ पे होगा? तो पेरिस फ्रांस। थॉमस एंटनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। क्या थे? वो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे।
ताल ज्वालामुखी जो हाल ही के खबरों में था किस देश में स्थित था? तो ताल ज्वालामुखी है जो फिलीपींस में था। फिलीपींस में भी एक बहुत ही बड़ा तूफान भी आया था। मैंने उस तूफान का नाम आप लोगों को कुछ दिन वीडियो में बताया था। हो सके तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी रिविजन हो जाए। तो चलिए कुछ क्यूज कर लेते हैं। अब ये कुछ क्यूज है, कहाँ पे है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये इंग्लिश में मिलेगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएनडीपी का जो है हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ब्रिटिश का बंकर बिल्ट जिस पे वर्ल्ड बार अटैक हुआ था, जिन साइड कहाँ पे है ये पाया गया? तो प्रिवेंट तो महाराष्ट्र में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने निकोटीन को क्लास ए का पॉइजन घोषित किया है? तो कर्नाटका को घोषित किया है। एज पर द रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन लास्टर में ऑर्थोपोनोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 है उसे किस में ग्रीन पीस के रूप में घोषित किया गया है? जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में। कुछ कुछ नए नए ऐसे है, आप लोग कंटिन्यू लिखा कीजिए, एक सारा 28 स्टेट का बना लीजिए। जो भी नए रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ने का तरीका है, सबसे पहले एक कॉपी छोटी पतली सी बनाइए, उसमें सारा स्टेट लिखिए, जिस स्टेट से जो भी योजना हो रही है, जो भी नए पार्क खुल रहे हैं वगैरह वगैरह, जितने भी है उस स्टेट में लिखे जाइए। 28 पेज में आपका काम तमाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिथुन किस एनिमल कौन से स्टेट का है? तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, स्टेट एनिमल है। कौन अभी हेड ऑफ द टास्क फोर्स डायरेक्ट टैक्स कोर्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? हेड कौन बने हैं? तो अखिलेश रंजन बने हैं। हम आठवें नंबर में, अगर आपको जगन्नाथ मिश्रा जो अभी हाल ही में पास हुए, वो किस स्टेट के जो है मतलब फॉर्मर CM, किस स्टेट के फॉर्मर CM थे, चीफ मिनिस्टर थे? तो बिहार के थे। चाइल्ड राइट बॉडी NCPCR पैटर्न जो IIT डेवलप स्प्रेड द सेक्सुअल अब्यूज जो अवेयरनेस है, ये कहाँ का है? तो IIT कानपुर का है। महेंद्र प्रताप माल इज द CMD किसके हैं? IRCT के, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मॉल IRCT से की है। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सूडान? सूडान के कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला हैमडॉक। बंजेरी इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द मध्य प्रदेश एसोसिएटेड विद द डिजिटल डिस्ट्रिक्ट इज द लोकेटेड? बंजेरी जो है सो ऐसा कौन सा गांव जो मध्य प्रदेश का है, जो बंजेरी का कौन सा ऐसा गांव है? तो कटानी है। कौन सी गांव है? कटानी। मेंटूर डैम कहाँ पे लोकेटेड है यानी कि कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु में है मेंटूर डैम। डिंडी इज अ फोक डांस, डिंडी कहाँ का फोक डांस है यानी कि डांस, असम की कैसे है बिहू उसी तरीके से, तो महाराष्ट्र में। रोलैंडो सिन एसोसिएटेड विच कौन से स्पोर्ट जो एसोसिएटेड करते हैं? तो साइकिलिंग करते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड विद द सिटी मैसूर का है। ओमान सागर लेक इज द लोकेटेड विच स्टोट? ओमान सागर जो है सो कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? तेलंगाना में। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल फगड़ा? स्कूल फगड़ा कौन सा लॉन्च किया है? तो मणिपुर लॉन्च किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप लोग ध्यान देकर इसे पढ़िएगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो अभी हाल ही में गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू करते हैं कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। विरासत एक खालसा म्यूजियम कहाँ पे खुला है? तो आनंदपुर साहिब में खुला है। तो इसी के साथ अच्छा चलिए एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। G20 मीटिंग कहाँ होगा, कब का? 2022 का। कहाँ पे होगा G20 मीटिंग? तो क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आप सबको पता हो। तो चलिए मैं बता देती हूँ, तो ये भारत में होगा। चलिए लास्ट छोटा सा क्वेश्चन मैं एक पूछ देती हूँ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब का? तो 2023 का। कहाँ पे होगा? छोटा सा ये क्वेश्चन है मेरा, देखती हूँ कितने लोग आंसर कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। मैं पहले सब्सक्राइब वगैरह इसलिए नहीं बोली हूँ क्योंकि अब मैं वीडियो के लास्ट में बोलूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, फर्दर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि